वेल, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो तो सेंड करते हो, बट जो आपकी लीड होती है ना, वो वीडियो देखकर आपको रिप्लाई नहीं करती, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करती। और जब तक वो आपको रिप्लाई नहीं करेगी ना, तब तक आप उस पर्सन का फॉलोअप नहीं ले पाओगे, और जब तक आपका एक अच्छा फॉलोअप नहीं होगा, वो पर्सन जो आपके साथ में रेगुलर होने ही नहीं वाला। सो, अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा मैजिकल फार्मूला बता दूं जिससे आपकी जो लीड है वो वीडियो देखकर सामने से आपको कॉल करे, आपको सामने से अप्रोच करे, सर आई एम इंटरेस्टेड एंड मैं आपके साथ में वर्क करना चाहता हूं, तो कैसा रहेगा? सो यही तरीका मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को ना पूरा एंड तक कंप्लीट करना। सो अगर अभी तक आप मेरा ये वीडियो विदाउट डायरी एंड पेन देख रहे हो, तो जाकर डायरी एंड पेन ले आओ, ताकि जो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, उन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सको, तभी आप उनको इंप्लीमेंट कर पाओगे। बिकॉज वीडियो देखने तक ठीक है, बट इसके बाद में ना आप सारी चीजें भूल जाओगे। एंड हां, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट जो वो मिलती रहे। सो ज्यादा टाइम को किल ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते। सो पहला पॉइंट है यहाँ पर कॉलिंग। आप अपने प्रोस्पेक्ट से किस तरीके से कॉल पर बात कर रहे हो, ये चीज ना बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। बिकॉज कॉलिंग के अंदर हमें कुछ चीजें जो कि एड ऑन करनी होती हैं, तभी जाकर जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो हमको सामने से ना कॉल करता है। अब आपको ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है? पहली, आपको ना जो आप प्रोस्पेक्ट से कॉलिंग करते हो, तो हमेशा ना पोलाइटली बात करना, और साथ में एक्साइटमेंट आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए ना एक्साइटमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ना कॉलिंग के अंदर कुछ चीज़ें एड ऑन करनी होती है, जैसे कि आप कॉलिंग करते टाइम ही आप जो उसको वीडियो सेंड करने वाले हो, सकता है आप उसको एक लाइव वर्कशॉप अटेंड करवाने वाले हो, या हो सकता है आप उसको कोई रिकॉर्डेड सेशन दो, तो उसकी ना आपको प्रॉपर हाइप क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले आपको ना कॉलिंग में उसको एक चीज़ बता देनी है कि हाँ, सारा कुछ कॉल पर बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग ही ना मैं आपको एक 40 से 45 मिनट का वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ये एक 40 से 45 मिनट की हमारी एक वर्कशॉप होने वाली, उसके अंदर ना आपको सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया जाएगा कि यहाँ पर वर्क क्या करना है, कैसे करना है, और आपकी यहाँ पर अर्निंग कैसे स्टार्ट होने वाली है। आपने उसको ये चीज़ बोल दी, अब जब आपका प्रोस्पेक्ट है ना, वो सिंपली समझ जाएगा कि कॉल पर तो सारा कुछ डिस्कस नहीं हो सकता और नहीं मुझे समझ में आएगा। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आपको ऐड करना है, वो है आपकी हाइप का। आपको साथ में ही उसको हाइप भी क्रिएट करनी है सेशन की। अगर वो रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप उसको बोल दो कि ये सेशन ऑलरेडी मैंने 20% को सेंड कर रखा है, और मेरे पास में जस्ट 5 स्लॉट ही हैं, सिर्फ मेरे पास 5 सीट हैं, और जो भी पर्सन इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में मुझे कॉल करके बता देगा, मैं उसकी सीट यहाँ पर कन्फर्म कर दूंगा, उसकी मैं अर्निंग यहाँ पर करवाने में हेल्प करने वाला हूँ। ये चीज आपने बोल दी। अब सकता है कि आपकी वर्कशॉप लाइव हो सकता है आपकी जो सेशन उसको दिखाने वाले हो लाइव हो, तो आपको किस तरीके से हाइप क्रिएट करनी है कि ये जो हमारा सेशन होने जा रहा है ना, ये लाइव होगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के हर स्टेट से तकरीबन 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की सीट ही कन्फर्म हो पाई है। और मैं अभी आपको बता दूँ कि इन 500 में से सिर्फ और सिर्फ 20% को ही सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि सीरियस होंगे, जो कि इस सेशन को ना पूरा एंड तक कंप्लीट करेंगे। इस सेशन के अंदर जो भी चीजें बताई जाती हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी यहाँ पर सीट जो है कन्फर्म होगी। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको कॉलिंग पर ही करने हैं। सबसे पहले आप पर्सन के बारे में जानते हो, थोड़ा सा पूछते हो उसके बारे में, उसके बाद में आपने थोड़ा सा वर्क की हिंट दी, आपने हाइप क्रिएट कर दी, आपने उसको बोल दिया कि सारा कुछ कॉल पर बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसके रिगार्डिंग एक मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा या एक लाइव वेबिनार होने वाला है, आपने उसकी हाइप क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है अर्जेंसी का। आप उसको अर्जेंसी क्रिएट करनी है वहाँ पर कि ये जो मैं आपको वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ये वीडियो ऑलरेडी मैं 20% को सेंड कर रखा है, और उन 20 में से सिर्फ मेरे पास में 5 सीट ही हैं, सिर्फ 5 स्लॉट हैं, और जो भी पर्सन इस वीडियो कंप्लीट एंड तक देखेगा और 30 मिनट के बाद में मुझे इन्फॉर्म करता है, तो उसकी मैं यहाँ पर हेल्प करने वाला हूँ, उसकी मैं यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट करवाऊँगा, और उसकी सीट मैं यहाँ पर कन्फर्म करने वाला हूँ। याद रखना है, सारा कुछ ने आपको एक्साइटमेंट के साथ में बोलना है। अब ये तो मैंने बोला आपको एक वीडियो के लिए, अब अगर आप किसी पर्सन को लाइव वर्कशॉप अटेंड करवा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको ना अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि इस सेशन के लिए ना सिर्फ 500 लोगों की यहाँ पर सीट कन्फर्म हो पाई है, ठीक है, बट उन 500 में से सिर्फ 20% को सिलेक्ट किया जाएगा, जो कि सीरियस होंगे, जो कि अपने करियर को लेकर सीरियस होंगे, जिनके ड्रीम्स होंगे, जो अपने लिए एक अच्छा करियर चाहते हैं, उनकी यहाँ पर स्लॉट जो है वो कन्फर्म होगी। ये आपने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करना कि आपको ना आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको फियर ऑफ लॉस दिखाना है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को ना फियर ऑफ लॉस दिखाओ कि वो क्या खोने वाला है, और उसको ये एहसास तब होगा ना जब आप उसको एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करोगे। आप होस्ट की हाइप क्रिएट करो, आप सेशन की हाइप क्रिएट कर रहे हो, आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर देना,
अब यहाँ पर आपको ना साथ में लालच देनी होती है। देखो कोई भी पर्सन ना आपके साथ बेमतलब नहीं आएगा, उसको कुछ ना लालच तो देनी पड़ेगी। आपको सिंपली बोलो इस सेशन को जो पूरा एंड तक कंप्लीट करेगा ना और मुझे इन्फॉर्म करेगा, उसकी मैं यहाँ पर 3 दिन के बाद अर्निंग स्टार्ट करवा दूंगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप उसे बोल देना कि इस सेशन के बाद से ही ना मैं उसकी इनकम स्टार्ट करवाने वाला हूँ। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग सिस्टम होता है, तो आप उसको बोल दो कि मैं ना यहाँ पर आपकी 3 से 4 दिन के बाद में अर्निंग स्टार्ट करवा दूंगा। आपने यहाँ पर कॉलिंग की, अब यहाँ पर आपने हाइप भी क्रिएट किया, आपने अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी, आपने उसको फियर ऑफ लॉस भी दिखाया। अब इसके बाद में आपने प्रोस्पेक्ट को लालच भी दिया। अब आप जब उस प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता दिया आपने कॉल पर, वो पर्सन रेडी है आपका सेशन लगाने के लिए। अब जब आप उसको सेशन की लिंक सेंड कर रहे हो, उस लिंक से ठीक 5 मिनट पहले आप उसे कॉल करके दोबारा से एक बार रेडी कर दो। अब जब आपने प्रोस्पेक्ट को लिंक सेंड करोगे ना, तो उससे 5 मिनट पहले आप उसे फिर से कॉल करके सारी चीजें याद दिला दो। अब वो पर्सन, आप जो भी उसको वर्कशॉप अटेंड करवाने वाले हो, जो भी आप उसको वीडियो देने वाले हो ना, वो वीडियो पूरा फोकस के साथ ना पूरा एंड तक देखेगा और सामने से उस वीडियो को देखकर आपको कॉल करेगा। और उसके बाद में आप उसे अच्छे तरीके से फॉलोअप लेकर आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हो, आप उसे रेगुलर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, इम्प्लीमेंट करोगे, आपको जो प्रोस्पेक्ट है ना वो वीडियो को देखकर आपको सामने से कॉल करेगा। सो मेक श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्टअप करने में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे हर वीडियो की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।